पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में, क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक ही ग्रह अपनी दिशाएं बदलने लगे हैं। यही वो जगह है जहां मैं स्पेस ब्रिज बनवाऊंगा। डार्क एनर्जॉन हासिल होगा। उसे यहां लाओ जल्दी। मेगाट्रॉन, आज तुम्हें उन जुल्मों की सजा मिलेगी जो तुमने साइबरट्रॉन और इंसानों पर किए। पल्स रेट स्टेबल हो रही है। जिस यूनिक्रॉन को मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, वो और कहीं नहीं, वो तो मेरे पास ही निकला। यूनिक्रॉन का खून पृथ्वी से इस तरह बाहर क्यों निकल रहा है? इसका जवाब जीते जी तुम्हें नहीं मिल सकता ऑप्टिमस। जल्दी इन्हें यहां से ले चलते हैं। चलो आओ, जल्दी करो। ये तो बस शुरुआत है। मेरे पास अब इतना डार्क एनर्जॉन है कि मैं अब यूनिक्रॉन को भी जगा सकता हूँ। यूनिक्रॉन। आराम से ऑप्टिमस, भारी मात्रा में एनर्जॉन के कांटेक्ट में आने से तुम्हारी हालत नाजुक हो गई है। मैं अकेला उसका शिकार नहीं। हाय, किस्मत अच्छी थी जो ये बच गया। मेगाट्रॉन को और डार्क एनर्जॉन मिल गया वोल्केनो भर के, पर सवाल है कि कैसे। नहीं, सवाल है कि क्यों। पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है जो यूनिक्रॉन के खून को पैदा कर रहा है? कौन से ने यूनिक्रॉन को मार दिया? वही सफेद घोड़ा जिसके सर पर सींग होता है, हमेशा झिलमिल करने वाला यूनिक्रॉन, एक प्राचीन शैतान, और जिसके जमे हुए खून के रूप को ही हम कहते हैं डार्क एनर्जॉन। किससे तो यही बताते हैं। तुम ये कहना चाहते हो कि यूनिक्रॉन किसी तरह का बोगीमैन है? बोगीमैन? वो काल्पनिक भूत जो अलमारियों में छुपता है? नहीं नर्स डार्बी, यूनिक्रॉन काल्पनिक नाम नहीं है, था। मेरा मतलब, हम मानते हैं कि उसका वजूद था, बस मेरे लिए ये मानना मुश्किल है कि उसके खून से बनी चीज ने ही रैफ का ये हाल किया है। यही वजह है। बातें बहुत हो गई। जैक प्लीज रैफ को कार में बिठाने में मेरी मदद करो। मॉम, इसकी तबीयत तो सुधर रही है ना? रैफ को असली डॉक्टर्स की देखरेख में होना चाहिए और रैफ की फैमिली को इसके पास होना चाहिए, इसकी असली फैमिली को। मॉम, वो रैफ की सुरक्षा वैसी नहीं कर सकती जैसी ये कर सकते हैं। जून, मुझे अपनी नाकामी पर बड़ा अफसोस है, लेकिन चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं हमारे इंसानी दोस्तों पर आंच नहीं आने दूंगा, या किसी और इंसान पर भी। ऑप्टिमस, ये बच्चे हैं,
ये तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। इन्हें फिक्र होनी चाहिए मार्क्स की, कार्टून्स की, पिंपल्स की, अपनी जान बचाने की नहीं। मॉम, डार्क एनर्जॉन अर्थ से बाहर निकल रहा है, जो फिक्र की बात ही है। हमें क्या ऐसे हालात में हर किसी को अपनी जान की फिक्र होगी। तुम बस चलो यहाँ से, तुम तीनों चलोगे और कभी वापस नहीं आओगे। मैं समझ सकता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, एक दूसरे का इतना साथ देने के बाद टाटा बाय बाय। हमें चुनने की आजादी मिलनी चाहिए। ये बातें उनके प्लैनेट पर चलती होंगी, यहाँ पर नहीं। चलो आओ। आपको सच में लगता है मैं एक नॉन ट्रांसफॉर्मिंग मामूली कार में बैठूंगी? मीको, बहस मत करो। आप मेरी मॉम नहीं है मीको। और तुम भी नहीं हो। लेकिन तुम्हारी हूँ। चलो बैठो जैक। वो तुम्हारी मॉम तो है। मैं नहीं चलूंगा। आई एम सॉरी। राजेट, ग्राउंड ब्रिज शुरू करो। कोई जरूरत नहीं। प्राइम, आवाज आ रही है? मैं तुम्हें सुन रहा हूँ एजेंट फाउलर। क्या तुमने न्यूज देखी? कुदरत का कहर हर तरफ तबाही मचा रहा है। हमें वॉल्केनो की जानकारी है। और अर्थक्वेक्स की? जिस वक्त वॉल्केनो इरप्ट हुआ उसी वक्त 7 जबरदस्त झटके लगे, उसी वक्त पर, उसी मैग्नीट्यूड के, वो भी दुनिया भर में अलग प्लूटोनिक प्लेट्स पर। मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारे इरप्ट एक ही वक्त पर क्यों हो रहे हैं। अब ये देखो और अच्छी खबरें। दुनिया भर में तूफान का आतंक चल रहा है। कनाडा पर सुनामी, कहर बरसा रही है और गोबी डेजर्ट पर बिजलियां गिर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में कटौती भी हो रही है। इस कुदरत की कहर की वजह क्या है, क्यों हो रहा है ये सब और आगे क्या क्या होगा? क्या कहा? डिसेप्टिकॉन्स ने वेदर मशीन बना ली है। आइडिया काफी अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से डार्क एनर्जॉन का निकलना कोई इत्तेफाक नहीं। मुझे लगता है इसके पीछे कोई वजह जरूर है। तुम ठीक हो ना रैफ? बिजली चमक रही है, मैं उसके बीच का गैप गिन रहा हूँ। लगता है बारिश होगी, मेरा गार्डन और खिल जाएगा। रैफ, तुम ठीक हो ना? ये कैसी आवाज है? नहीं, शुरू हो जाओ, जल्दी से शुरू हो जाओ। चढ़ने के लिए कह रहा है।
थैंक यू। ये कह रहा है यू वेलकम। जमीन की गहराइयों से उभरता तुम्हारा खून मुझ में समाना चाहता है। हम आ गए। हमें बहुत खुशी हुई। क्या आप ठीक हैं? हो जाऊंगी जैक। मॉम मुझे कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। लेकिन 30 की उम्र तक तुम घर में रहोगे, ठीक है 25 तक। कई वरिष्ठ नेता मौसम के बिगड़ते हालात देखते हुए पूरी दुनिया को सावधान कर रहे हैं। पूरी दुनिया को? साइंटिस्ट का मानना है कि हाल ही में जो ग्रहों की दिशा बदली है ये सब उसी का नतीजा है। कुछ पता चला कि नहीं प्राइम? मुझे अगर कोई जवाब नहीं मिला तो मैं मिस डार्बी, आपको देखकर अच्छा लगा। मुझे भी एजेंट फाउलर। हमें पता चला है कि वोल्केनो में से मैग्मा नाम की कोई चीज निकलने से अर्थक्वेक आ रहे हैं जो कि पृथ्वी के क्रस्ट के और नीचे से आ रहे हैं, यानी कि पृथ्वी के कोर में से। कोर से अर्थक्वेक शुरू नहीं होते है ना? झटकों के उतार चढ़ाव में एक सामान्य पैटर्न है, जैसे कोई ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं डेटा को कन्वर्ट करता हूं ऑडियो फाइल में तो क्या क्या पता चला? सुनो, रुको साउंड वेव, बंद करो इसे। यही आवाज मेरे जहन में गूंज रही है। साइबरट्रोनियन हार्टबीट? ये कैसे मुमकिन है? हार्ट तो खून पंप करता है और अर्थ में पंप करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय यूनिक्रॉन के खून के। मैं जाग गया हूँ। ओके, एक सेकेंड रुको, तुम्हारा मतलब हमारे प्लैनेट के अंदर कोई रहता है? मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम्हारे साइंटिस्ट्स गलत थे। पृथ्वी के कोर में मैग्मा नहीं बल्कि डार्क एनर्जॉन भरा है। अगर ये उसी के स्पार्क की आवाज है तो फिर यूनिक्रॉन ही वो अंधकार है जिसका जिक्र भविष्यवाणी में हुआ है। तो इस चीज को जागने से रोके कैसे? अफसोस, इस बारे में कोई नहीं जानता। आखिर हमारे अर्थ के कोर में कोई जिंदा कैसे रह सकता है? क्योंकि वो कोई मामूली चीज नहीं है, सदियों पुरानी बात है। एक तरफ था प्राइमस और दूसरी तरफ यूनिक्रॉन, एक रचने में माहिर और दूसरा विनाश में। सदियों तक प्राइमस और यूनिक्रॉन लड़ते रहे। उनके बीच जीत हार का मामला कितनी बार चला इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। प्राइमस ने 13 असली प्राइम्स की रचना की जिनका मैं वंशज हूं, और उन सब ने मिलकर यूनिक्रॉन को हरा दिया और उसे प्लैनेट से निकाल दिया। प्राइमस ने खुद को प्लैनेट के कोर को सौंप दिया और ऑल स्पार्क्स के कुओं से जीवन दान करने लगा। उस दिन के बाद यूनिक्रॉन का कोई नामो निशान नहीं मिला, लेकिन आज मिल ही गया। अर्थ को उड़ाने के लिए उसने किसी होल का इस्तेमाल किया होगा जिसके जरिए वो अर्थ में घुसा होगा। अगर हमें वो होल मिल जाए तो। एजेंट फाउला, मुझे नहीं लगता कि यूनिक्रॉन पृथ्वी में समा गया होगा, बल्कि गुजरते वक्त के साथ और ग्रेविटेशन की वजह से कई पदार्थ उस बेहोश शैतान के इर्द गिर्द जमते गए जिसकी वजह से तुम्हारी पृथ्वी बनी। और अब ग्रहों की दिशा बदलने से जो मैग्नेटिक बदलाव आए उससे वो फिर जाग उठा है।
अच्छा, आज तक तो वो सदियों से सो रहा था, पर अब उसके जागने के बाद क्या होगा? हाँ, क्या वो अंगड़ाई लेगा और धड़ाम अर्थ चकनाचूर हो जाएगा? तुम्हें नहीं पता क्या होगा, है ना? मुझे लगता है कि किसी तरह यूनिक्रॉन ने जिस्मानी रूप अपना लिया है, लेकिन फिर भी हमें उसे पूरी तरह जागने से रोकने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा, वरना तुम्हारी पृथ्वी का विनाश निश्चित है। लॉर्ड मेगाट्रॉन, हमारा कार्गो डार्क एनर्जॉन से पूरी तरह भर चुका है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। उसके असर के कारण फौज कमजोर होने लगी है और मैं ताकतवर बनता जा रहा हूँ। और रैकनेट, मेरे लौटने तक तुम कमांडर हो। पर कहां से लौटने तक मास्टर? यूनिक्रॉन के दर्शन से लौटने तक। की मौजूदगी महसूस हो रही है, मुझ में आपका ही खून है। मेरी पुकार सुनिए मेरे मालिक, मेरे आका यूनिक्रॉन। कौन है जिसने मुझे पुकारा? आपका वफादार गुलाम मेगाट्रॉन, डिसेप्टिकॉन्स का लीडर आपकी सेवा में हाजिर है। मैं वो हूँ जिसने डार्क एनर्जॉन को खुद में समाया और आप जागृत हो गए। भविष्यवाणी सच हुई। अब हम दोनों अपने अधूरे ख्वाब पूरे करेंगे मिलकर। इस प्लेनेट पर आपकी हुकूमत होगी जिसे मैं आपके लिए चलाऊंगा। मूर्ख कहीं के, तुमने मेरे रक्त को स्वयं के भीतर डालने का साहस कैसे किया? मैं तुम्हारे कारण नहीं बल्कि अपनी इच्छा से जागा हूँ। मालिक, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। शांत मूर्ख, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत कहिए, मेरी जिंदगी का मकसद आपकी सेवा है। ये पहचानी सी गंध है, जरूर किसी प्राइमस की गंध है। यहाँ कैसे? ऑप्टिमस यहाँ आया था, वो आखिरी प्राइम है, मेरा जानी दुश्मन। अगर तुम मेरे सच्चे सेवक होते तो प्राइम को कभी जीवित नहीं छोड़ते। मैं उसे जल्द खत्म कर दूंगा, वो आपके कदमों में होगा। रींगे हांकना बंद करो। अगर तुम में प्राइम का विनाश करने की क्षमता होती तो तुम उसे खत्म कर चुके होते। उससे तो मैं खुद ही निपटूंगा। रैचेट, बाकी जगहों के मुकाबले यहां की जमीन काफी स्थिर है। यह इलाका कच्चे धातु से भरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि पृथ्वी का कुदरती धातु कुछ और नहीं बल्कि यूनिक्रॉन के ही शरीर का हिस्सा हो। मतलब सच में उसने अंगड़ाई ली थी जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आए? ऑप्टिमस, यूनिक्रॉन की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। घबराओ मत रैचेट, मैं होशियारी से आगे बढ़ूंगा। क्या तुम मुझे पहचानते हो प्राइमस के वंशज? यूनिक्रॉन, तबाही का बादशाह। बहुत अच्छे। अब ये यूनिक्रॉन तुम्हें तबाह करने वाला है। पहले मेरी दरख्वास्त सुन लीजिए लॉर्ड यूनिक्रॉन। ऐसा क्या है जिसे कहने के लिए एक प्राइम विनती कर रहा है? मेरी ये दरख्वास्त अपने लिए नहीं बल्कि इस प्लैनेट के लिए है जो आप पर बना है, और यहाँ बसने वाले इंसानों के लिए भी जिनकी जिंदगी सिर्फ आप पर निर्भर है। हर चीज के लिए। आपके उठने से इंसानों की पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी,
जिसका बीज और कोई नहीं आपकी महानता है। ये इंसान जिसकी तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे अनुसार ये मेरी संतानें हैं? बेशक। वो कीड़े मकोड़े तुम्हें समाप्त करने के पश्चात उनका भी विनाश करूंगा। मेरी गैर हाजिरी में प्राइम शक्तिहीन हो गए थे क्या? अब तुम भी जीवित नहीं रह पाओगे। वो दिन भी कभी ना कभी तो आएगा ही, लेकिन आज वो दिन नहीं है। वंशज, मरोगे तो आज ही, क्योंकि तुम्हारा युद्ध एक नहीं अनेक यूनिक्रॉन से होगा।